नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय महिला कल्याण मंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सहित कई पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। आज मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड के कारण अनाथ हुए बेसहारा बच्चों को 4,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 3 माह की धनराशि 12,000 रुपये हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। उन तमाम बच्चों को जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता या अभिभावक खोए हैं, सबसे पहले हमारी परंपरा रही है अतिथियों के स्वागत की। मैं मंच पर आसीन माननीय श्रीमती स्वाति सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिला कल्याण एवं बाल विकास से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय राज्यपाल महोदया को पौध पुष्प भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बच्चे भी पौधे की तरह होते हैं और इन्हें अपने प्यार गुलार से सींचना होता है, उसी का प्रतीक है ये पौधा। अपर मुख्य सचिव श्रीमती एस राधा चौहान जी से हम अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये पौध पुष्प दे भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। ये पौधा नहीं है बल्कि उन तमाम बच्चों का भविष्य हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में सौंप रहे हैं, जिनके सपनों को पूरा करने का आश्वासन, विश्वास और प्रतिबद्धता इस आयोजन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिखाई है। मैं चाहूँगी तालियों के पुष्पों से सभी मंचासीन अतिथियों का आप सब स्वागत और अभिनंदन करें। भविष्य अब निर्मित होगा, कोई आँच नहीं आने पाएगी। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का भी सानिध्य हमें मिल रहा है। दीप ज्योतिर परब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर नमोस्तुते। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना वास्तव में बच्चों के सपनों को साकार करने का आश्वासन है, उनका बल है, उनका विश्वास है। और सच पूछिए तो आज मैं निशब्द हूँ, यहाँ इतने अपने बच्चों को देखकर कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करना भी आवश्यक है। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड के कारण अपने माता पिता और अपने अभिभावक को खोने वाले बच्चों के देखरेख और उनके संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की आज शुरुआत की गई है। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आपका आभार भी प्रकट करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 1.5 साल से सिर्फ हमारा देश ही नहीं, हमारा प्रदेश ही नहीं, पूरा विश्व कोविड की महामारी को झेल रहा है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, जिन्होंने अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उत्तर प्रदेश के सारे ऐसे बच्चों के अभिभावक के रूप में, संरक्षक के रूप में उन्होंने आज इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 1 मार्च 2020 के बाद जो भी बच्चे अपने माता पिता को कोविड के कारण जिन्होंने खो दिया है, चाहे दोनों में से किसी एक को खो दिए हैं, उन बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पूर्ण रूप से पूर्णतया अनाथ हो गया है, तो उन बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित बाल देखरेख संस्थाओं में आवासित कराया जा सकेगा। और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए अगर लड़का है तो अटल आवासीय योजना के विद्यालय में भेजा जाएगा, और अगर बच्ची है तो उसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भेजा जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकें। इसके साथ ही साथ जो भी ऐसी बच्चियाँ हैं जो इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगी, जब वो शादी के योग्य होंगी, तो उन बच्चियों को 1,01,000 रुपये उनके शादी के लिए योगदान दिया जाएगा। इस योजना में 9th क्लास से ऊपर के बच्चों को और जो 18 साल के नीचे हैं और अगर किसी व्यावसायिक शिक्षा में हैं तो उन बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप भी दिया जाएगा। कहना चाहूंगी जिस विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, उसी आत्मविश्वास के साथ आप पढ़कर आगे बढ़िए, क्योंकि आगे घर की जिम्मेदारी आपको लेकर जाना है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के भी नाम को आपको रोशन करना है कि एक वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हमें सहारा दिया और हमें आज इस लायक उन्होंने बनाया है। बहुत बहुत फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा हमारी ने पूरी दुनिया के सामने जिस तरह का संकट खड़ा किया है वो चिंताजनक भी है और चुनौतीपूर्ण भी। विश्व के विकसित देशों तक को भी इस महामारी ने घुटनों पर ला दिया है, लेकिन ऐसी आपदा में भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ देश ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, अन्य देशों को भी इस संकट की घड़ी में सहायता प्रदान की है। उसी प्रकार स्वयं इस महामारी से संक्रमित होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की प्रत्येक गतिविधि की स्वयं निगरानी और लगातार मार्गदर्शन किया, जिसकी वजह से प्रदेश में इस महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। आज देश ही नहीं विश्व भर में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष चिंता उन बच्चों को लेकर रही है जो कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया या माँ बाप में से किसी एक को खो दिया, उन बच्चों के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री जी की चिंता से हम सब अवगत हैं। अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से उनके भविष्य को संरक्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी शासन को सदैव प्रेरित करते रहे हैं, जिसका परिणाम बच्चों के हित में बनी अनेक योजनाएं और कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की उन चिंताओं और संवेदनाओं का ही मूर्त रूप है। ये योजना प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक की उम्र के ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई हो, ऐसे बच्चों को प्रदेश सरकार प्रतिमाह 4,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की 12वीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा के लिए उन्हें अटल आवासीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार इस योजना में शामिल बालिकाओं की शादी योग्य होने पर उनकी शादी के लिए 1,01,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी, ताकि वे अपने सुखद भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सके। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप भी प्रदान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प कि प्रदेश के ऐसे प्रत्येक बच्चे को सरकार का संरक्षण और सहयोग प्राप्त हो। मुख्यमंत्री जी स्वयं नियमित रूप से इस योजना की सभी गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। आज प्रदेश सरकार की इस योजना ने नन्हे बालक बालिकाओं के जीवन पर मनरा रहे अनिश्चितता और आशंका के संकट को न सिर्फ दूर किया है, बल्कि भविष्य के प्रति उनके मन में आशाओं, उम्मीदों की नई ज्योत जलाई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच और प्रदेश सरकार के संकल्पों का ये एक और सार्थक परिणाम है। एक बार जो लोगों के माध्यम से 1,050 बच्चों को चिन्हित किया गया और आज 486 लाख की धनराशि इन 4,050 बच्चों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। 12,000 रुपये 3 माह की अग्रिम राशि सबके खातों में जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस धनराशि को इन लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ बटन दब गया। तालियों का आशीर्वाद दें इन बच्चों को जिनके खाते में 12,000 रुपए की धनराशि गई, 4,050 बच्चों के खाते में ये धनराशि, तरह की कोई बाधा नहीं आने पाएगी। प्रतीकात्मक रूप से 10 बच्चों को आज माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वीकृति पत्र, स्कूल बैग, चॉकलेट और जैसा कि कहा आपको बताया भी गया कि जो व्यावसायिक शिक्षा बच्चे करेंगे उनको टैबलेट या लैपटॉप भी दिया जाएगा। ऐसे विज्ञान गुप्ता स्वीकृति प्रमाण पत्र, स्कूल बैग जिसमें शिक्षा से जुड़ी चीजें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का दुलार स्कूल बैग और चॉकलेट के साथ उनके भविष्य के को सुनिश्चित करने के आशीर्वाद के साथ। तालियों में आशीर्वाद है तो जोरदार बजाएं। युवराज गुप्ता, स्कूल बैग, चॉकलेट, स्वीकृति पत्र, सुंदर भविष्य के आशीर्वाद के साथ। अनुष्का अवस्थी, सबसे छोटी बच्ची, स्वीकृति प्रमाण पत्र, स्कूल बैग, चॉकलेट, उनके स्कूल बैग को संभालने के लिए कोई आ जाए जो बच्चे को ले जाए नीचे तक। जोरदार तालियों का आशीर्वाद दें, ये तालियां बच्चों को याद रहेंगी। मोहम्मद अतीब, हम सब जान रहे हैं कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पिछले
16-17 महीनों से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही है। एक महामारी है और महामारी से बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस संबंध में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर अपने संबोधनों के माध्यम से देश को मार्गदर्शन भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ न केवल जूझ रही है बल्कि उसका सफलतापूर्वक मुकाबला भी कर रही है। लेकिन महामारी में बचाव के तमाम उपाय और उपचार के तमाम प्रयास के बाद भी बहुत सारे लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा है। ये केवल भारत के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की स्थिति, जो दुनिया के अंदर बहुत विकसित देश माने जाते हैं, जिनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा दुनिया में होती थी, उनकी स्थिति और भी खराब है, और भी दयनीय है। अगर आप भारत और अमेरिका की तुलना करें तो भारत के अंदर 136 करोड़ की आबादी का देश हमारा है। तमाम प्रयासों के बावजूद जो मौतें भारत के अंदर हुई हैं, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बड़ी ताकत के रूप में दुनिया के अंदर अपनी एक धमक रखने वाले अमेरिका से इसकी तुलना करें तो अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, और 1/4 आबादी में अमेरिका की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। लेकिन तब भी भारत की 1/4 आबादी के बावजूद अगर जब हम मौत के आंकड़े देखते हैं, यद्यपि हर मौत दुखद है, लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर मौत भारत से लगभग 1.5 गुना से अधिक मौतें हुई हैं। कोविड प्रबंधन के बारे में पहले दिन से ही प्रधानमंत्री जी पूरे देश को लगातार जागरूक करने के बृहद अभियान के साथ जुड़े रहे और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद मार्च अप्रैल में दूसरी लहर ने देश के अंदर अपना कहर बरपाना प्रारंभ किया था। तमाम प्रयासों के बावजूद पहली और दूसरी लहर में तमाम जो प्रियजन थे, तमाम परिवारों के, उनको खोना पड़ा। और उसके बाद तब यह कवायद प्रारंभ हुई कि वास्तव में पहली लहर के समय ही प्रधानमंत्री जी ने तमाम प्रकार की घोषणाएं की, खासतौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हर एक तबके के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं उस समय भी, फ्री में राशन की व्यवस्था, फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर की व्यवस्था, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट धारियों के अकाउंट में पैसा जा रहा था, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन धारकों के खाते में भी पैसे धन्यवाद धनराशि दी गई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित सभी किसानों के अकाउंट में भी पैसे भेजे गए, एमएसएमई सेक्टर में उनको रियायत देने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई, अन्य अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम घोषित की गई, आत्मनिर्भर भारत का एक 20 लाख करोड़ का पैकेज भी घोषित हुआ, राज्य सरकार ने भी श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता, प्रवासी भारतीयों, प्रवासी जो हमारे श्रमिक थे उनके लिए भी व्यवस्था की, अन्य तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की। सेकेंड वेव के समय भी मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हर परिवार को, पात्र गृहस्थी का हो या अंत्योदय, उन सबको मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रधानमंत्री जी के माध्यम से प्रारंभ हुई। राज्य सरकार ने भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए 3 महीने के लिए उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था भी की। लेकिन इन सब के बावजूद स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास भी किया गया। अब याद करिए, जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था मार्च 2020 में, हमारे पास टेस्ट करने की कोई क्षमता नहीं थी। पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग, और उसके बाद उनका जो सैंपल लिया गया था, सैंपल भेजना पड़ा था हमें एनआईवी पुणे जांच के लिए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पीएमपीआर से मिले हुए सहयोग से जनता जनार्दन और विभिन्न संस्थाओं ने दिया सहयोग, जनप्रतिनिधियों ने जो सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने स्वयं की निधि से धनराशि एकत्र की, और आज यही उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। प्रतिदिन इतनी 4 लाख टेस्ट हम प्रतिदिन करने की क्षमता रखते हैं। लैब्स बनाई गई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। आज चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के पास 1.5 लाख से अधिक बेड्स हैं जहां पर हम स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर भी हम महामारी से जूझ रहे हैं और महामारी में लापरवाही नहीं हो सकती। बचाव के लिए जितना जागरूक हम कर सकेंगे, हर एक संस्था ने इसमें योगदान दिया। स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा था, मेडिकल एजुकेशन काम कर रहा था, हेल्थ वर्कर्स ने बेहतर कार्य करने का प्रयास किया, कोरोना वॉरियर्स ने बेहतर काम किया, तमाम अन्य संस्थाओं ने जो हमारे साथ मिलकर के
पहले से ही प्रदेश के अंदर बच्चों के लिए जुड़ी हुई और तमाम प्रकार की उन बीमारियों को लेकर के इंसेफ्लाइटिस आदि के मामले में जिनका योगदान मिलता रहा यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने, इस महामारी के दौरान भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के चलकर के इस महामारी से जूझने के लिए भी हर संभव प्रयास किया और उन स्थितियों के बावजूद मौतें हुई। और उसी के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि हर राज्य अपने यहां एक स्कीम लागू करें, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माँ बाप को कोविड कालखंड के दौरान खोया है, कोरोना से जिन बच्चों के माता पिता की मौत हुई है या किसी अपने लीगल गार्जियन की मौत हुई है, माँ या पिता या कोई ऐसा लीगल गार्जियन, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके माता पिता की बहुत पहले मौत हो चुकी थी लेकिन उनके दादा दादी या मामा मामी किसी के साथ रहते थे, उसकी उनकी भी दुखद मौत इस दौरान हुई, उन लोगों के लिए कोई स्कीम राज्य लागू करे और फिर राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार भी पीएम केयर से उनके लिए एक व्यवस्था जारी करेगी और फिर उस व्यवस्था को हम आगे बढ़ा पाएंगे। आदरणीय राज्यपाल महोदय इस मामले में पहले से संवेदनशील रही है, लगातार प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी के माध्यम से इन सभी बच्चों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम चलने हैं वह कार्यक्रम विगत 1.5 साल से प्रदेश के अंदर निरंतरता बढ़ाई हुई थी। लगातार हम लोग पिछले 1.5-2 वर्षों से कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाकर के कार्य कर रहे थे। उन बच्चों के बारे में जो इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए, उन बच्चों के माध्यम से निरंतर कार्यक्रम चले, उन्होंने बहुत सारी अभिनव योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू की। हर एक स्तर पर कहा गया कि अगर कोई बच्चा कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है तो उस जन्मदिन में प्रयास हो कि किसी आंगनबाड़ी केंद्र में जाए, किसी बाल संरक्षण गृह में जाए, उन बच्चों को गिफ्ट दें, यादगार बने उसका जन्मदिन। और राज्यपाल जी की प्रेरणा से कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे थे लेकिन कोविड कालखंड के दौरान इस त्रासदी से भी हमें जूझना पड़ा। और इसीलिए जब हम लोगों ने इस पर विचार किया, इस पर कार्य योजना आगे बढ़ी, सर्वे किए गए प्रदेश के अंदर जिन बच्चों की स्थिति जो हमारे पास सामने आई, जो आंकड़े हमारे सामने आए, उनमें 240 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता दोनों कोरोना के कारण मार्च 2020 से लेकर के और अब तक की जो संख्या है, उन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खोया है। 3810 ऐसे बच्चे हैं जिनका इस दौरान मार्च 20 से लेकर के अब तक जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अपने लीगल गार्जियन को खोया है, किसी के माता पिता, किसी के माँ या किसी का पिता या किसी का लीगल गार्जियन जो उनको देखभाल करता था उनको खोया है, यानी कुल 4050 बच्चे चिन्हित किए गए। इन 4050 बच्चों के लिए आज हमारे राज्यपाल महोदय के करकमलों से पहले 3 महीने का, यानी हर बच्चे को 4000 रुपये हर माह राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। 18 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार उनका लालन पालन की व्यवस्था करेगी। वे बच्चे अगर उनके लिए जिनके माता पिता या कोई लीगल गार्जियन नहीं है तो बाल संरक्षण गृह में, या फिर उन बच्चों को हम लोगों ने इस साल से, इस वर्ष से हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे 18 अटल आवासीय विद्यालय हमारे निर्माणाधीन है। ये अटल आवासीय विद्यालय जहां पर हम प्रदेश के उन सभी बच्चों को लेकर के आने वाले हैं जो किसी न किसी कारण से किसी भी समय में निराश्रित हुए हैं, उन बच्चों की देखभाल के लिए, उनको अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट को तेज करने के लिए भी वहां पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम के साथ हम उनको जोड़ने जा रहे हैं। 18 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदेश के अंदर संचालित है, ये भी आवासीय विद्यालय है। इन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके हर प्रकार को संरक्षित उन्हें करने, उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी सरकार इसमें योगदान देने जा रही है। यानी 4000 प्रति माह के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी सरकार उनके लिए वहां पर करेगी, उन्हें लैपटॉप की व्यवस्था से आच्छादित करने की कार्रवाई करेगी। और जो बालिकाएं शादी योग्य हो चुकी हैं उन्हें, उन बालिकाओं की शादी योग्य होने वाली उन बालिकाओं के लिए 1,01,000 रुपये राज्य सरकार अपने निधि से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बालिकाओं की शादी के लिए कार्यक्रम में शासन के स्तर पर उनको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि केवल कोविड से होने वाली मौतें दुखद हैं, उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और संवेदना स्वरूप आज राज्यपाल महोदय के करकमलों से इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ भी कर रहे हैं। अभी राज्यपाल महोदय के करकमलों से उन सभी बच्चों के अकाउंट में 12,000 रुपये की राशि ये 3 महीने की, पहले 3 महीने की जारी कर दी गई। लेकिन ये भी व्यवस्था की जा रही है कि कोविड के बावजूद नॉन कोविड से भी कुछ मौतें हुई होंगी, उनके लिए भी एक व्यवस्था हमें लागू करनी चाहिए। और उसमें नॉन कोविड से, यानी कोरोना से जो मौतें नहीं हुई लेकिन अन्य बीमारियों से भी कुछ मौतें हुई होंगी,
महिला और बाल विकास विभाग को इस के बारे में कहा गया कि उन बच्चों को भी उन बच्चों की भी सूची तैयार करें और उन बच्चों को भी इसे आच्छादित करने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा अपने आप को निराशित न महसूस कर सके। क्योंकि सरकार अगर है तो सरकार की संवेदना दिखनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार की संवेदना ही शासन और जनता के बीच के इस गैप को दूर करती है। आखिर सरकार अगर है, संवेदनशील सरकार है, तो फिर इसमें कोई बच्चा अपने आप को निराशित कैसे महसूस कर सकता है। उस विश्वास के साथ यह कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने महिला और बाल विकास विभाग को एक और बात कही है कि जो महिलाएं इस दौरान निराशित हुई हैं, हम लोगों का प्रयास रहा है कि मार्च 2020 के पहले सभी निराशित महिलाओं को निराशित महिला पेंशन से आच्छादन का कार्रवाई हम लोग पूरा कर चुके थे। अगर फिर भी कोई बच्चे होंगे तो उनके लिए स्पेशल कैंप लगा करके उनको भी निराशित पेंशन और राशन कार्ड की सुविधा, आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा से आच्छादित किया कर दिया जाए। मार्च 2020 के बाद कोरोना महामारी आने के बाद भी अगर कोई महिला निराशित हुई है, पति या अपने लीगल गार्जियन को खो दी है, तो उस महिला को भी हम एक नई स्कीम के साथ जोड़ करके शासन की योजनाओं से आच्छादित कर सकेंगे। इसके लिए भी एक नई स्कीम लेकर के राज्य सरकार आने वाली है, जिससे प्रदेश के अंदर कोई भी अपने आप को अनाथ और निराशित महसूस न कर सके। इसके अलावा भारत सरकार ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे प्रभावित बच्चों के सहयोग और सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की है। इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश बहुत शीघ्र आने वाले हैं और उन पीएम केयर्स से प्राप्त होने वाले सहयोग से भी हम उन सभी बच्चों को आच्छादित करने की उस विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ा पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इन सभी बच्चों के लिए यहां उपलब्ध कराया है। मैं इन सभी बच्चों के प्रति राज्य सरकार की पूरी संवेदना और पूरी सहानुभूति उनके प्रति व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले भारत में ऐसी योजना बनाने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। इतना ही नहीं, पूरी स्कीम बनाकर केंद्र को भेजा गया और केंद्र ने उत्तर प्रदेश को ये सुझाव दिया कि पूरे भारत में इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि सबसे पहले सोचने वाला ये प्रदेश बना है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से पूरा भारत कोरोना संक्रमण के कारण इसके सामने जूझ रहा था। सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व जो हो सके वो सबने इकट्ठा होकर किया है। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि पूरी बात आप सबके सामने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ने रखी है। मैं मानती हूँ कि जो बच्चे जिसने अपने माँ या पिता या दोनों गंवाए हैं, वो बच्चों की उंगली पकड़ने का काम राज्य सरकार ने किया है। सिर्फ 4,000 रुपया देकर संतोष प्राप्त नहीं किया है, लेकिन उसकी सुविधा, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य और आगे शिक्षण प्राप्त करने के लिए जो जरूरी है, ये सबका प्रावधान किया है। सबसे पहले हम शुरुआत करें कि राजभवन आप चाहे 2 बच्चों को हमें दे दें, हम उसकी परवरिश करेंगे मित्रों। और एक अच्छी योजना की आज शुरुआत हो रही है, इसी वजह से सरकार को और खास करके योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसी योजना करके आपने ऐसे बच्चों को एक प्रेरणा दी है, एक आधार दिया है और माता पिता दोनों बनकर आप बच्चों की उंगली पकड़कर उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य सुझावों के लिए, विचारों के लिए। निश्चित रूप से शिक्षा संरक्षण और संसाधन ही नहीं देना है। और अब अंत में मैं प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती वी हेकाली जी मोमी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। अपने माता पिता व संरक्षकों को खोने वाले बच्चों के जीवन यापन, शिक्षा, देखभाल, पोषण, सुरक्षा और उनके सम्मान को समाज में बनाए रखने के उद्देश्य से आज एक विशेष योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन तथा उनकी गरिमामयी उपस्थिति में की जा रही है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव होने के नाते मुझे एहसास है कि इन बच्चों ने अपने माता पिता या संरक्षक के रूप में अपने प्रियजन को खोया है और हम चाहकर भी इन बच्चों के जीवन में उनके प्रियजनों की कमी को पूरा नहीं कर सकेंगे। यद्यपि मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि विभाग दिन रात एक करके ऐसे अंतिम बच्चे तक पहुँचने का हर संभव प्रयास करेगा जिन्हें इस योजना का लाभ दिलाकर उनके जीवन में नए रोशनी पैदा की जा सकती है। मैं माननीय राज्यपाल महोदया को समय प्रदान करने तथा मार्गदर्शन देने हेतु विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं कोविड प्रभावित बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जैसे समग्र योजना प्रारंभ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। महोदय, हम इसे सिर्फ एक योजना की तरह संचालित नहीं करेंगे बल्कि इसके माध्यम से बच्चों के प्रियजनों द्वारा उनके लिए देखे गए सपनों को साकार करने के प्रयास के रूप में देखेंगे। मैं यहाँ मंच सिंह सभी अतिथियों को भी आज के कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही आज के कार्यक्रम की कवरेज हेतु मीडिया के साथियों तथा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले अन्य अधिकारियों कर्मचारियों व सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।